Good afternoon, students. Rajan Tiwari is here and the banner is EduServe. Today I am going to provide you a second class, means it's a second class for idioms and phrases. Idioms and phrases की आपको एक पहली क्लास दी जा चुकी है जिसको आप लोगों ने अप्रिसिएट भी किया है बहुत ज़्यादा. तो उसमें मैंने आप लोगों को idioms पढ़ाए थे, मैंने phrases नहीं बताए थे. तो आज मैं idioms के साथ, idiom और phrases साथ साथ में लेके इसलिए लोग चलते हैं teachers वगैरह या किताबें, कि idiom और phrase दोनों अपने जो मूल शब्द होते हैं उससे कुछ हट कर के अलग मीनिंग देते हैं. तो फ्रेज क्या होता है? किसी वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आकर के उसका अर्थ बदल दे या कोई एडवर्ब आकर के उसका अर्थ बदल दे, दैट इज फ्रेजल वर्ब और फ्रेज. तो आज हम लोग फ्रेजेज पर चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे, जैसे पुट मतलब रखना, मान लीजिए सपोज, लेकिन पुट ऑन, पुट के बाद जब ऑन आ गया तो इसका मतलब बदल गया. तो आज हम लोग फ्रेजेज पे चर्चा करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप वैसी क्रियाओं को देखेंगे जिनके बाद कोई एडवर्ब या कोई प्रीपोजिशन आकर के उनका मीनिंग बदल देता है. दोज वर्ब्स आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेज. तो मैंने लिखा हुआ है पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है वियर. वियर मतलब पहनना और अप्लाई का अर्थ है लगाना. मैं एग्जांपल्स देके आप लोगों को बताता हूँ. वैसे अब कभी कभी मुझे गाने भी याद आ जाते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश हम लोगों ने वैसे सीखा है, वैसे सिखाने का प्रयास करता हूँ. एक गाना है वो पुट ऑन द घुंघरू ऑन माय फुट एंड वॉच माय ड्रामा, धर्मेंद्र जी का, वो टहलका मूवी है. तो वहाँ पे पुट गाना आप लोगों ने सुना होगा, न्यू जनरेशन भी सुनी होगी, वो वाली फिल्म देखी होगी, लेकिन आप लोगों ने इस पर नहीं गौर किया होगा कि वहाँ पुट ऑन का मतलब क्या है. तो पुट ऑन मतलब वहाँ, वैसे वो इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर, तो गाना है, फिल्म है मनोरंजन के लिए, लेकिन पुट ऑन द घुंघरू मीन्स मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो और फिर मेरा ड्रामा देखो, ऐसा उस गाने का मीनिंग निकलेगा. तो पुट ऑन मतलब पहनना, वियर. He puts on a new dress every day. वो हर रोज एक नया कपड़ा पहनता है, एक नई ड्रेस पहनता है. अप्लाई लगाना का सेंस है, she applies new makeup in every party. वो हर रोज एक नया ड्रेस पहनता है और दूसरा सी अप्लाईज लगाती है, वो हर पार्टी में एक नया मेकअप लगाती है, दैट इज अप्लाई. या फिर सिंदूर लगाना की अंग्रेजी भी अप्लाई, वर्मिलियन होता है, वर्मिलियन मतलब सिंदूर होता है. तो जब पुट ऑन बराबर अप्लाई है तो सी पुट्स ऑन वर्मिलियन, ऐसा भी हो सकता है. लिपस्टिक लगाना की अंग्रेजी भी अप्लाई लिपस्टिक और पुट ऑन लिपस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि पुट ऑन बराबर अप्लाई है. इसके बाद हम लोग दूसरे सब पे चर्चा करते हैं. कम अप, कम मतलब आना, लेकिन अप आ गया उसका मतलब अप्रोच होता है. अप्रोच बराबर है पहुंचना के या संपर्क करना के. मान लीजिए यू कैन कम अप टू EduServe for improving your English. अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए आप EduServe, I am not advertising myself but I have to do it. So you can come up to EduServe for improving your English. अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए आप EduServe से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं. गिव अप, गिव मतलब देना, लेकिन गिव अप मतलब त्यागना, एबेंडोन, त्यागना या छोड़ना. एबेंडोन में जब ईडी लग जाता है तो एबेंडोन हो जाता है. थोड़ी देर के लिए आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, मैं मिटाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स के लिए लग रहा है स्पेस कम बच रहा है. एबेंडोन मतलब होता है परित्यक्त या छोड़ा हुआ. ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है. दिस इज एन एबेंडोन्ड बिल्डिंग.
और एबेंडोन वर्ब है, गिव अप वर्ब का काम कर रहा है, त्यागना या छोड़ना। यू मस्ट गिव अप योर बैड हैबिट्स, आपको अपनी गलत या खराब जो आते हैं वो जरूर छोड़ देनी चाहिए। मैं बोल के बोलता रहता हूँ, उस पर भी आप लोग ध्यान दिया करें। थोड़ा सा मैं सामने एग्जांपल्स बनाना ज़्यादा वो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझा सकूँगा इस तरह से। और इसके बाद है गो ऑन कंटिन्यू, गो ऑन बराबर है कंटिन्यू के। यहाँ पे हम लोग फ्रेजल वर्ब्स के लिए इंग्लिश मीनिंग सिंपल वर्ड क्या हो सकते हैं ये देख रहे हैं, साथ में हिंदी भी देख रहे हैं। गो ऑन का मतलब है कंटिन्यू, जारी रखना या करते रहना का भी सेंस जाता है। जैसे गो का पास्ट टेंस लेके चल देंगे तो ही वेंट ऑन टॉकिंग टू मी फॉर आवर्स। ही वेंट ऑन पास्ट इंडेफिनिट लेके चल दिए, वह मुझसे बात करता रहा। ही वेंट ऑन टॉकिंग टू मी फॉर आवर्स, वह मुझसे घंटों बात करता रहा। और फोन पर करता रहा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑन फोन। ही वेंट ऑन टॉकिंग टू मी फॉर आवर्स ऑन फोन, वह फोन पर मुझसे घंटों बात करता रहा। उसी तरह से ऑन टेलीविजन होता है, ऑन रेडियो होता है। ऑन वाले वीडियो में शायद मैंने बताया है, अगर नहीं बताया तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। स्टैंड अप फॉर, किसी का साथ देना, किसी का समर्थन करना, किसी का बचाव करना, डिफेंड। यू शुड नॉट स्टैंड अप फॉर योर हूलिगन फ्रेंड्स। हूलिगन मतलब गुंडा, बदमाश, है ना। वैसे स्काउंडल भी एक मीनिंग होती है गुंडा या बदमाश के लिए। तो आपको अपने जो गुंडे दोस्त हैं, मवाली दोस्त हैं, उस तरह उनका बचाव नहीं करना चाहिए, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर एग्जांपल को थोड़ा सा मैं चेंज करूं तो वन शुड नॉट, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन शुड नॉट स्टैंड अप फॉर वंस हूलिगन फ्रेंड्स, किसी को अपने गुंडे मवाली दोस्तों का बचाव नहीं करना चाहिए, जो गलत लोग हैं उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेट डाउन बराबर है डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मतलब निराश होना या करना। और केवल डिसअपॉइंटेड शब्द का मतलब निराश हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मीनिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। डिसअपॉइंट से बना डिसअपॉइंटेड, जिसका मतलब है निराश। और एग्जांपल देख लेते हैं, ही नेवर डिसअपॉइंट हिज फादर, ही नेवर डिसअपॉइंट्स हिज फादर, वह अपने पिताजी को कभी निराश नहीं करता है। पुल डाउन डिमोलिश, नष्ट करना, ढा देना का भी सेंस ले सकते हैं। और नॉक समबडी डाउन, नॉक समबडी डाउन, ऐसे नॉकडाउन मतलब ही डिमोलिश या नष्ट करना, ढा देना या गिरा देना हो सकता है। लेकिन नॉक समबडी डाउन का मतलब है किसी को मार के गिरा देना, किसी को गुस्सा मार दिया वो गिर गया, तो ही नॉक्ड मी डाउन, तो उसने मुझे गुस्सा मार दिया और मुझे गिरा दिया, ये वाला सेंस आता है। तो एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस वो हो रहा है, मैं नॉकडाउन को मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे। पुल डाउन और नॉकडाउन दोनों का मतलब डिमोलिश, और जो मैंने मीनिंग बताया है वैसा मीनिंग हो सकता है। ऑल द इनक्रोचमेंट शुड बी पुल्ड डाउन। इनक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण, मतलब किसी सरकारी जमीन पे
किसी दूसरे की ज़मीन पे जो भी कोई कब्जा कर लिया गया हो, किसी कंपनी की ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया, किसी सरकारी ज़मीन को कोई कब्जा करके कुछ वहाँ पे मकान बना दिया, कुछ और भी कर रहा है, दैट इज इंक्रोचमेंट। तो ऑल द इंक्रोचमेंट शुड बी पुल डाउन, सभी इंक्रोचमेंट को, जो भी अतिक्रमण है भाई, देखो जो जायज होता है वो जायज होता है, जो नाजायज होता है वो नाजायज होता है, तो जो भी अतिक्रमण है उसको क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, ढा दिया जाना चाहिए, है ना। रूल आउट का दो मीनिंग हो सकता है, एक होता है इरेज मिटाना और दूसरा होता है इनकार करना। मीन्स चिल्ड्रेन ऑलवेज रूल आउट देयर मिस्टेक विद रबर। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपनी गलतियों को इरेज कर देते हैं, रूल आउट, इरेज किसकी सहायता से, रबर की सहायता से। और एक दूसरा अगर इनकार करना का सेंस देख लें, दूसरा एग्जांपल देख लें हम लोग, तो डिनाई है, He denied all the possibilities of his success. उसने उसकी सफलता की सभी उम्मीदों से क्या कर दिया, उन संभावनाओं से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ऐसा होता है। विद प्रीपोजिशन का भी यूज आप लोगों को मैंने विद वाले प्रीपोजिशन में बताया हुआ है, वीडियो में बताया हुआ है। जब निर्जीव साधन की सहायता से कोई काम करते हैं तो हाँ विद प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। वैसे फिर बाई वाला चला है तो निर्जीव, वो भी बस गाड़ी वगैरह, तो यातायात के साधनों के साथ हम लोग बाई लगाते हैं, वो भी आपको अलग वीडियोज में बताया होता है। मीन्स ये जो वीडियोज की जो क्रमिक श्रृंखला चल रही है, तो अलग अलग चीज़ों को देख देख करके आप लोग को अपनी जो कमियां हैं उसमें सुधार लाते रहना है। टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, कॉम्पिटिटिव लेवल का जो भी चल रहा है वो सब देखते रहना है, और जो भी आपके अंदर मतलब ज्ञान का अभाव है उसको विस्तारित करते रहना है। सेटअप टू एस्टेब्लिश, स्थापित करना, आर यू प्लानिंग टू सेटअप योर ओन बिजनेस, क्या आप अपना व्यवसाय खड़ा करने का, स्थापित करने का सोच रहे हैं, है ना। और इसके बाद दसवां नंबर पे लेट समबडी ऑफ, मतलब किसी को क्षमा कर देना, लॉट्स ऑफ क्रिमिनल्स आर सॉरी लेट लेट दिस डेज फ्री लेट दिस डेज ऑफ सॉरी इन द absence of evidence, lots of criminals are let these days off, बहुत सारे criminals आजकल छोड़ दिए जाते हैं, माफ कर दिया जाता है उनको, किस चीज के अभाव में, साक्ष्य या प्रमाण के अभाव में, evidence। तो आप लोग नोट करते रहेंगे चीज़ों को। मुझसे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर थोड़ा सा नोट करने का भी टाइम दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा खिचड़ी वगैरह हो जा रही है, तो मैं जो बोलता रहता हूँ उस पर भी आप लोग सुनते रहिए। वो जैसे अगर दिखने में तो शुरू में तो फ्रेश था, फिर एग्जांपल्स लिखने में वो अगर प्रॉब्लम अगर आ रही है तो जो मेरी आवाज़ें हैं उस पर भी आप लोग ध्यान देते रहिए। और ये 10 को आप लोग नोट करने का, उसकी हिंदी जानने का और फ्रेज की इंग्लिश एक शब्द क्या उसके लिए हो सकता है ये सब सीखने जानने का प्रयास करिए।
फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद 11वें नंबर पे हम लोगों के पास है गो डाउन या कम डाउन, जिसका मतलब है डिक्रीज, घटना या कम होना। एवरीवन विशेज टू गो डाउन, या फिर कम डाउन भी हम लोग कर सकते हैं, द प्राइसेज ऑफ बेसिक कमोडिटीज। सभी लोग चाहते हैं कि जो घरेलू उपयोग की जो चीज़ें हैं उनके दाम क्या हों, घटें, कम हों, है ना। वियर आउट का मतलब होता है एग्जॉस्ट, थक जाना या थका देना। ही हैज वोर्न मी, वियर पहनना होता है, आप लोग पुट ऑन चला था लेकिन उसके बाद वियर के बाद आउट आ गया तो मतलब बदल गया, थक जाना, थका देना। ही हैज वोर्न मी आउट, उसने मुझे थका दिया है। गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब है टू स्टडी और कंसीडर समथिंग इन डिटेल, किसी चीज को विस्तार से पढ़ना या उसको समझना, किसी चीज को विस्तार से पढ़ना समझना। आई वुड लाइक टू गो थ्रू दिस मैटर, मैं इस मामले को समझना चाहूँगा, विस्तार से समझना चाहूँगा या उसको पढ़ना चाहूँगा, ऐसा भी। अब वो उपयोग के आधार पे किस सिचुएशन में आपने इस्तेमाल किया उस पर डिपेंड करेगा। पुट आउट, पुट ऑन पहनना, पुट आउट बुझाना। Put out the candle, please. कृपया कैंडल को बुझा दीजिए। Let something off. Explode, explosion, धमाका, explode, बम फोड़ना, बम या पटाखा फोड़ने के लिए explode का इस्तेमाल होता है, फोड़ना का सेंस है, है ना। You should not let crackers off near my house. You should not crack crackers. Crack crackers भी हो सकता है पटाखा फोड़ना, explode. You should not let crackers off near my house. आपको मेरे घर के नज़दीक पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। ड्रॉप इन, पे ए शॉर्ट सडन विजिट, अचानक किसी के यहाँ चले जाना, और खासतौर पे थोड़े समय के लिए। वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन यस्टरडे। वन ऑफ जब भी चलता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चीज़ है, तो वन ऑफ के बाद ये नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर फाइंडिंग में आपकी मदद करेगा। वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, और फिर जब वन ऑफ रहता है तो यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल क्रिया की बात आएगी तो फिर सिंगुलर क्रिया इस्तेमाल होती है वन ऑफ और इस वाले कंस्ट्रक्शन के बाद। ये सब भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एक ही क्लास के दौरान चीज़ें कुछ और चलती रहती हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, ताकि इधर से ना उधर से कहीं ना कहीं से आपका वो जो सीखने का प्रक्रिया रहे वो चलता रहे, रुके नहीं, कुछ नया मिलता रहे आपको।
तो मेरे पुराने दोस्तों में से एक लोग कल आ गए अचानक से। गेट ऑन का मतलब है प्रोग्रेस, तरक्की करना। ही इज गेटिंग ऑन रैपिडली दिस डेज। वह इन दिनों शीघ्रता से या तेजी से तरक्की कर रहा है। होल्ड ऑन का मतलब है स्टॉप या वेट, स्टॉप रुकना, वेट इंतजार करना। होल्ड ऑन आई सेल कॉल यू सून या आई सेल फोन यू सून। रुकिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं जल्द ही आपको फोन करूँगा। लुक डाउन ऑन कंटेम्प्ट मतलब होता है तिरस्कार करना। डिस्पाइज मतलब नफरत या घृणा करना। वी मस्ट नॉट लुक डाउन ऑन एनीवन। हम लोगों को किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए या किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, जरूर नहीं करनी चाहिए। मस्ट क्या सेंस देता है, अवश्य नहीं करना चाहिए या जरूर नहीं करना चाहिए, मस्ट कंपल्सन बताता है। और ले डाउन का मतलब है सेक्रीफाइस, कुर्बान कर देना। हो जाना, कुर्बान हो जाना। लॉर्ड्स ऑफ पैट्रियट्स, पैट्रियट मतलब देशभक्त, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, पैट्रियोटिक देशभक्तिपूर्ण। लॉर्ड्स ऑफ पैट्रियट्स लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये शब्द हो गया फॉर द सेक ऑफ का मतलब, फॉर मतलब के लिए, उससे भी काम चल सकता है, फॉर द सेक ऑफ की खातिर। लॉट्स ऑफ पेट्रियट्स लेट डाउन देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर मदरलैंड। बहुत सारे देशभक्तों ने हम लोगों की मातृभूमि के लिए अपना जीवन क्या किया, कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 20 पिछली क्लास में इडियम्स दिए गए थे, आज की क्लास में आपको फ्रेजेस दिए गए हैं। फ्रेज क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा के बताया वीडियो के शुरू में। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये क्लास काफ़ी है। एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड शेयर द वीडियोज इफ़ यू विश टू शेयर दैट। थैंक यू।